ये वो माया छोड़ो ताहिर, ये वो माया, ये वो माया नाते पाक लिखो, अरे अरे छोड़ो ताहिर ये वो माया नाते पाक लिखो, रूह ने अंदर से उकसाया नाते पाक लिखो, छोड़ो ताहिर ये मोहमाया नाते पाक लिखो, रूह ने अंदर से उकसाया नाते पाक लिखो, आमद अहमद पर ये बोले सुभान अल्लाह, कागज कलम दबा कागज कलम दबा आमद अहमद पर ये बोले, कागज कलम दबा मदह नबी का मौसम आया, क्या क्या है मदह नबी का मौसम आया नाते पाक लिखो, एक मतलब यूं हुआ कि कबूल उनको मेरी कोई भूल तक नहीं गई, कबूल उनको मेरी कोई भूल तक नहीं गई, वो जिनको याद अली के उसूल तक नहीं गई, कबूल उनको मेरी कोई भूल तक नहीं गई, वो जिनको याद अली के उसूल तक नहीं गई, अली के बाद जो आए हैं शाह दुनिया में हसन हुसैन के कदमों की धूल तक नहीं, अली के बाद जो आए हैं शाह दुनिया में जी 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 हसन हुसैन के कदमों की धूल धूल तक नहीं, हजरत शाहिद साहब हमारे मेहमान शाहिद जो किरतपुर की सरजमीन से आपकी मोहब्बत में आज के सजे हुए स्टेज पर माइक पकड़ कर खड़े हुए और आपके चेहरों की उदासियां ये यकीनन इनके दिल की हौसला शिकनी करती है, हौसला अफजाई नहीं, इसलिए अजीज दोस्तों आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जब सामईन के तौर पर आप यहाँ शायरों के सामने सामईन की हैसियत से बैठे हुए हैं तो शायरों की अगर जिम्मेदारी है कि तो वो पढ़ के कुछ सुनाए तो आप हजरात की जिम्मेदारी है कि उनकी हौसला अफजाई सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह से करते रहे, जो कि अजीज दोस्तों आप कब्रिस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में मौजूद हैं और हिंदुस्तान में मौजूद हैं तो इसकी बेदारी और इसकी जिम्मेदारी और इसके ऐलान आपको हौसला अफजाई से करना पड़ेगा और आपको हौसला अफजाई से आनंदा और अल्हम्दुलिल्लाह से जरूर करनी पड़ेगी। अजीज दोस्तों आप हाथ उठा के बताएं कि हम कब्रिस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में मौजूद हैं, हम सब यहाँ जिंदा मौजूद हैं मुर्दा नहीं, हाथ उठा के बताएं मौजूद हैं, अरे हाथ उठा के सभी का हाथ उठा है इसका मतलब कुछ ना कुछ मुर्दा भी, अरे अगर कोई मुर्दा है तो हाथ ना उठाए लेकिन अगर जिंदे हैं तो सब हाथ उठाए, सुनने को किसी का मन करता है तो हाथ उठाए, हम सब यही मौजूद हैं, बड़े बहुत 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 मतलब मुलाहिजा करें कहता हूँ कि किस कदर तासीम वाला, थोड़ा माइक लगा ले जरा और बेहतर करके माइक कुछ तो ऐसा जी अच्छा, मेरी आवाज खराब हो रही है और कमजोर भी, आवाज खराब का ये आलम नहीं, अच्छी होती तो क्या आलम होता, अंदाजा लगाएं सामीन कैसे कैसे शायर आपके साथ मौजूद और आपके चेहरों की उदासियां, ऐसा नहीं होना चाहिए पढ़े किस कदर तासीम वाला है रसूलुल्लाह का नाम, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, किस
اس قدر تعظیم والا ہے رسول اللہ کا نام عرش کی تخت سبحان اللہ عرش مدينة
مدينة
گلے پر کسی کا بستر چلا کرتا میری طبیعت کئی ہفتوں سے مسلسل خراب ہے بہرحال آپ کی محبت نے اتنا ماشاءاللہ زمانہ بڑے شوق سے